Hi guys, good evening everyone. Welcome to another session on English descriptive writing. So you all must be aware that uh, both RBI 2022 as well as SEBI 2022 are round the corner. अब यहाँ पे मैं एक अलग चीज बताने वाला हूँ आपको specific चीज जो आज मैंने notice करी कि बहुत सारे ads आने लगे हैं. A lot of ads हो सकता है हमारी सेल्स टीम ने भी कोई एक ऐड निकाला हो हमारी टी टेक टीम ने भी कोई एक ऐड निकाला हो कि भाई आर एग्जाम आने वाला है उसका कोर्स ले लीजिए एंड आई एम सीइंगेट ऑफ एड्स आर कमिंग अप ऑन यूट्यूब स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग हैं जो बना रहे हैं कल एक स्टूडेंट से बात हो रही थी हु वॉज अ यू पी एस एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हुस टू टेक विच कोर्स नॉट टू टेक क्या करें क्या ना करें देर इज सो मच इन्फॉर्मेशन इन द मार्केट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना क्या है करना क्या नहीं है एंड आई टोल्ड हर समथिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई योर ओन माइंड अपना दिमाग खुद लगाओ दस जगह जाकर देखो कि कौन कैसा पढ़ा रहा है कौन क्या पढ़ा रहा है और फिर खुद डिसाइड करो दैट इज वाई आई कम लाइव ऑन एवरी मंडे एवरी वेंसडे एंड देन एवरी सैटरडे फॉर डाउट सेशन हर वीक एक डाउट सेशन होता है ऑन एवरी सैटरडे इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपकी तैयारी अच्छे से करा पाऊं वेदर यू आर प्रिपेरिंग ऑन योर ओन और वेदर यू आर एन एनरोल्ड स्टूडेंट ऑफ माइंड इट ड मैटर यहां पर हम लोग मंडे और वेंसडे को वॉट आई डू इज आई टीच यू द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग बिकॉज दैट इज वॉट विल डेट अमाइंड टू वेरी लार्ज एक्सटेंट वेदर यू विल गेट सेलेक्टेड ऑन नॉट तो आंसर राइटिंग आपकी मास्टर्ड होनी चाहिए अब मैं यहां पर पढ़ा दूंगा उससे कुछ नहीं होगा आपको प्रैक्टिस भी करना है यू हैव टू डू इट एवरी वीक वीक में एक बार तो आपको करना ही करना है जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया हुआ है तो जो भी आपको एड्स दिख रहे हैं कमिंग बैक टू उनको इग्नोर करें इग्नोर नहीं भी करना है तो एटलीस्ट विजिट दीज चैनल्स विजिट द वेबसाइट्स अंडरस्टैंड कि कौन क्या पढ़ा रहा है खाली ये भी ना देखें कि भाई कितने लोग सेलेक्ट हुए कहाँ से सेलेक्ट हुए बिकॉज ये सारे नंबर्स आजकल बहुत इनमें ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो वेरीफाइबल नहीं होती हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बस ये देखें कि किसी एक चैनल पर क्या एक्टिविटी है क्या पढ़ाया जा रहा है किस तरह से पढ़ाया जा रहा है जो तो भी फैकल्टी है वो कितने टाइम से कहाँ पर कनेक्टेड है कितना एक्सपीरियंस है उनको उस चीज़ का वो सारी चीज़ें आप नोटिस करें हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं जो यहाँ पर आर की प्रेप करा रहे हैं सो यू कैन चूज दैम और इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग यू कैन चूज़ मी ऑफकोर्स मैं तो वही बोलूँगा बट हाँ ये चीज़ ध्यान रखें कि अपना कम्फर्ट ज़रूर देखें और ये जरूर देखें कि कौन क्या पढ़ा रहा है और किस तरह से पढ़ा रहा है रैदर देन जस्ट गेटिंग इंसेंटिवाइज बाई दो जैसे कि एक फेयर एंड लवली का एड आया करता था ना तो कितने लोगों ने फेयर एंड लवली लगा लगा के पोत पोत के सोचा कि हम गोरे हो जाएंगे लेकिन आज तक कोई गोरा तो हुआ नहीं केमिकल से स्किन और खराब हो गई बट इवन देन इट्स सेल इट्स ओल्ड अभी भी सेल होता है जो लोग गोरे नहीं हैं जिनको कॉम्प्लेक्स होता है वो अभी भी खरीदते हैं तो इट सेल्स इवन वेन यू नो दैट इट इज प्रोबली नॉट गोइन टू वर्क बिकॉज एड आपको इतनी बार दिखा दिया कि आप यू ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग इन इट ओके दैट इज हाउ पावरफुल मार्केटिंग इज इज चलिए लेट्स गेट ऑन टू द द द रियल रियल शो शो टॉपिक दैट वी हैव फॉर ये भी थोड़ा सा एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है और ये भी नबार्ड 2020 में आई थिंक या 2019 में पूछा गया था आई डोंट रिमेंबर क्लियरली क्योंकि मैं भी सारे पास्ट ईयर से ही उठा रहा हूँ तो ये भी नबार्ड का पेपर है इसलिए मैंने ये उठाया है वेरी लेटेस्ट पेपर इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई एंड पिकअप जो भी पी एफ आर डी ए में अभी पूछे गए हैं वो टॉपिक्स उठाएंगे उससे थोड़ा सा और अच्छा आइडिया लगेगा ओके okay? इस सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक हम आप आ, साथ में वी विल ट्राई एंड फॉलो ऑल द स्टेप्स जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे तो अगर लास्ट क्लास वाले स्टेप्स नहीं देखे हैं तो प्लीज प्ले में जाकर एक बार वो भी चेक कर लो द प्ले लिस्ट इज ऑन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आंसर राइटिंग चैनल पे अवेलेबल है प्ले जिसमें सारे इंग्लिश आंसर राइटिंग के जितने भी सेशंस हैं वो सारे वहां पर कवर्ड हैं ओके वहां पर सारे प्रेजेंट मिलेंगे आपको तो जो भी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये हम फॉर्मेट एसओपी जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो हम फॉलो करेंगे वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम एसओपी इन दिस

फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड की है कैसे करना है हाउ कैन इट बी मेड पॉसिबल आर द पॉसिबल चैलेंजेस इन द दर्ड की वर्ड चैलेंजेस दो चीजें पूछी गई हैं टू क्वेश्चन फार्मर्स इनकम बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू वट आर द चैलेंजेस तो मैंने सिम्प्लीफाई करके मैं लिख सकता हूं आई कैन क्रिएट अनदर क्वेश्चन आउट ऑफ इट विच इज माई ओन क्वेश्चन एंड विच मेक सेंस हाउ टू डबल फार्मर्स इनकम By 2022, what are the challenges? Okay, how to do double farmers' income by 2022? What are the challenges? बस ये हमने क्वेश्चन शॉर्टर करके बना लिया और हमारी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो गई यहां पर तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव जो है एसओपी का वो क्लियर हो गया विच the दैट objective ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई keywords. दैट इज डन अब आते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा कैन एनी वन टेल हेयर वॉट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा जितने भी फैक्ट्स हैं जितने भी स्कीम्स हैं जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो एक पेज पे हमें लिख लेने हैं सो वट डू वी हैव टू डू फॉर ऑल है स्टूडेंट हुआ कमिंग है फॉर द फर्स्ट टाइम और पहली बार नहीं भी आए हो तो याद नहीं है तो लेट मी रिमाइंड द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई ऑल द कीवर्ड्स वो हमने कर लिए द सेकेंड स्टेप इज आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ द कीवर्ड एंड बिफोर स्टार्टिंग विद योर एस से आपको जितने भी फैक्ट्स याद आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द की वर्ड की वर्ड क्या है डबलिंग फार्मर्स इनकम मतलब फार्मर की इनकम एग्रीकल्चर इससे रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट्स याद आते हैं वो लिख लो जितनी भी स्कीम्स याद आती हैं वो लिख लो जितने भी नंबर्स याद आ रहे हैं वो लिख लो जितने भी प्रोग्राम्स याद आ रहे हैं वो लिख लो जितने भी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स क्रेडिबल पर्सनालिटीज़ के जुमले बोल लो या फिर उनके टिप्पणियां बोलो वट एवर यू कैन कॉल इट वट एवर दे हैव सेड अबाउट डबलिंग फार्मर्स इनकम वट एवर यू कैन रिमेंबर पांच मिनट दस मिनट लगाओ और उनको एक पेपर पे रफ पेपर पे लिख लो बिलीव मी इफ यू डू दिस द क्वालिटी ऑफ योर एसे इज गोइंग टू इम्प्रूव इफ इफ नॉट मोर देन एटलीस्ट बाय ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट बीस पच्चीस परसेंट आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है दैट इज द इंपैक्ट दैट दिस दिस स्मॉल एक्सरसाइज कैन हैव

और देखते हैं क्या क्या फैक्ट्स निकाले अपन ने प्रोडक्टिविटी ऑफ चाइना इन प्रोडक्शन ऑफ राइस इज डबल ऑफ ऑफ दैट इंडिया इंडिया की कितनी है 3.1 पर हेक्टेयर और चाइना की कितनी है 6.5 पर हेक्टेयर दिस इज द सेकेंड फैक्ट जो मुझे याद था जिसके बेसिस पे मैंने एक पॉइंट बना लिया डजेंट मैटर इफ यू कैन क्रिएट अ पॉइंट और नॉट यू जस्ट हैव टू राइट डाउन ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट यू कैन रिमेंबर जो भी स्कीम्स हैं जो भी आप याद रख सकते हैं मैंशन एवरीथिंग ओके नेक्स्ट आगे जाते हैं ई नैम दैट आई कैन रिमेंबर ये मैंने लिख दी यहां पर ओके नेक्स्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पी एल फोर एट्टी ये मैंने यहां पर लिख दिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन में दिस यू माइट बी एबल टू राइड टुवर्ड्स दल्सो ये वाला दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी में वॉट इज द टोटल फूड प्रोडक्शन ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड टेन मिलियन टनस थ्री जीरो एट पॉइंट समथिंग है थ्री हंड्रेड टेन मैंने लिखा है दैट इज हाउ यू कैन ऑल्सो राइट थोड़ा बहुत अप्रॉक्सिमेशन कर सकते हो दैट इज फाइन यू कैन स्कीम्स कृषि सिंचाई योजना कौन से पे We कृषि सिंचाई योजना. हेल्थ कार्ड पॉइंट सेवन परंपरागत कृषि विकास योजना पॉइंट एट फसल बीमा योजना पॉइंट नाइन ऑपरेशन ग्रीन्स Point 10 or scheme. Kisan Sampada Yojana. Point 11. ENAM we have already done before. We have already mentioned before. I think it was the second one. Third one. Third was ENAM. So let me write it there. Three again. We are done with 11 now. Okay. Technology mission on cotton. Technology mission on oil seeds, pulses and maize. 12. 13. Okay. Mission for integrated development of horticulture. 14. See when you start writing, you will realize you can ha have so many. sugar technology mission 15, national mission on sustainable agriculture, which is the biggest, last the most hai because it's a very holistic mission. point number 16, area under irrigation has to be expanded by 1.78 million hectares and area under double cropping should be increased by 1.85 million hectares every year. area under fruits and vegetables to be increased by 5% each year. point number 17. ओके, okay? आपको लग रहा होगा ये तो मुझे याद ही नहीं था ये भी मैंने रिसर्च करके निकाला है। आप अगर दो सो रिसर्च करके जाओगे नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम यू नो गेटिंग गुड मार्क्स बिकॉज कहीं ना कहीं आपने जो दो सो के फैक्ट्स याद किए हैं अ लॉट ऑफ बी यूज्ड इन योर फाइनल एसे ओके? So that is how it works. That is how preparation works. You have to practice probably hundred essays. let's say one essay has 15 approximately. 100 essays, uh, 1500 facts and schemes and combinations of everything. Now you had you just have to use 10 out of them. Okay, and it's very much possible. So objective facts Okay. And whatever you're reading on uh, in in general awareness as well, I have asked you to create a fact cheat sheet, and I'm very certain that will also be handy in your final exam. So, a step two is complete. Step A was to identify the keywords. Step B, just like Bitcoin, was very important to identify and write down all the facts, numbers, schemes, programs, whatever you can remember. Okay, relevant to the topic that is under discussion. Step number C. स्टेप नंबर सी क्या है उसके बाद टू राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स जो भी आप बॉडी में लिखने वाले हो दैट इज योर स्टेप नंबर सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको स्किप नहीं करना है स्किप करोगे एग्जाम स्किप हो जाएगा पॉइंट नंबर सी इज टू आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी दैट यू कैन रिमेंबर प्लीज रिमेंबर दिस याद रखना है ये ओके इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी द फर्स्ट पॉइंट नाउ वट एम आई टॉकिंग अबाउट हेयर हाउ टू इंप्रूव फार्मर्स इनकम हाउ टू डबल फार्मर्स इनकम बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू भाई कैसे करोगे फार्मर की इनकम डबल हाउ टू डबल फार्मर्स इनकम बाई ट्वेंटी ट्वेंटी टू नंबर वन प्रोडक्टिविटी नंबर टू क्रॉपिंग इंटेंसिटी नंबर थ्री डाइवर्सिफिकेशन नंबर फोर नेशनल मार्केट नंबर फाइव एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन नंबर सिक्स फूड प्रोसेसिंग repeat i am repeating number 1 when you increase productivity of the uh, of agriculture you automatically increase the farmer's income number 2 when you are increasing intensity of crops which i am going to explain what is it then you are automatically increasing farmer's income number 3 diversification so that unpredictability reduces so that his income every year remains more stable and therefore doubling it becomes easier number 4 creating a national market for farmers produces number 5 exporting because that is where the money is that is how you can double farmers income you export whatever they are producing more and more and more number 6 food processing what does food processing do it increases the value of your produce okay so these are the six steps that are required challenges ek challenges ek question so challenges bhi likh lete challenges the country needs to increase the use of quality seeds, optimum level of fertilizer and power supply to agriculture. Inputs. Challenge kya hai? input ki quality improve hai Number one. Okay. Number two, technology area under irrigation has to be increased. Irrigation is a major challenge. Okay. Number three, in the case of livestock, quality of quality of livestock. Just uh our total output hai from milk from livestock that also increases. Okay, mobilize states and UTs to own and achieve the goal of doubling farmers' income. Participation, very holistic point, but it's very challenging hai because bringing in all the states and UTs together for doubling farmers' income it's not an easy task. It's a very political issue. Number five, India is a diverse country. Monsoon dependence is.

तो ओवरऑल वेलफेयर फार्मर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा वी कैन टॉक अबाउट फाइनेंस एज वेल ओवरऑल वेलफेयर में फाइनेंशियल हेल्थ भी फार्मर की आ जाती है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ वी आर डन विद स्टेप सी हमारे स्टेप ए हो गया स्टेप बी हो गया स्टेप सी हो गया स्टेप डी क्या बताया था मैंने आपको कैन एन वन रिमेंबर वॉट इज स्टेप डी स्टेप डी इज वेरी सिंपल आपको इंट्रोडक्शन लिखना है वॉट डू यू राइट इन द इंट्रोडक्शन If anyone can remember, write in the chat box what you can write in the introduction. Number one, you can either write what of the keyword, which means you define the keyword. Okay. Or, or, I'm writing or because the essays are small here. Or, you can write why of the keyword or relevance. What this means is relevance of the keyword. Why do you need to double farmers' income? That you can write in the introduction okay what is the meaning of doubling farmers income what is the government said about doubling farmers income that is definition of the doubling the process or the challenge of doubling farmers income i hope it's clear don't introductions i've written both introductions here so these are two different introductions let's start with the first one the indian government approved the country's first agriculture export policy with its aim to double farmers income by 2022

So We can shift our focus from food security because if you know we can maintain it to the quality of the income of farmers, the livelihood of farmers, and the quality of land. Okay? okay. Yemen yeah. prove Ambitions like doubling farmers' income, bringing farmers in formal financial system, and soil health card scheme. Yemen yeah. answer justify vikarya. How am I saying that the government is now focusing on doubling farmers' income or increasing their income? And land quality. Soil health card is major scheme and it's a big, big issue. Okay. With almost 50% of Indians dependent on farming, doubling farmers' income is expected to be a difficult challenge. Various coordinated steps can help the government achieve its target in the following way. So this first introduction doubling farmers' income is important. से से concept Because since 1960s, we have been focusing on

To leave farming this can have an adverse effect on the future of agriculture leading to food insecurity therefore there is a need to double farmers income to promote farmer welfare reduce agrarian distress and bring parity between income of farmers and those working in non-agricultural profession argument create created so i am focusing here very straightforward manner on why do we need to double farmers income we need to double farmers income because फार्मिंग में इतना पैसा ही नहीं है पीपल आर लिविंग फार्मिंग यू सी इन द विलेजेस ओल्ड ईज ओल्ड पीपल एंड वीमेन आर वर्किंग ऑन फार्म नाउ वाई बिकॉज द यंग पीपल डिसाइडेड टू मूव आउट वर्क इन द अर्बन एरियाज एज माइग्रेंट लेबर बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है बिकॉज एजुकेटेड पीपल आर नॉट गोइंग और जो हिस्टोरिकली करते आ रहे थे वो फैमिलीज भी छोड़ रहे हैं फार्मिंग को ओके दैट इज वाई वी नीड टू फोकस ऑन द फार्मर्स अगेन Rather than focusing only on the agricultural output, I hope this is clear. First one is better, easier to write, so you always try and stick with the first one. Okay, broad strategy for improving farmers' income. Points we have We just have to explain it now, make some sense out of it. Let's start with the first one. Improvement in agricultural productivity. First objective How do, are we going to do it by increasing the productivity? First, we explain where is our productivity at the moment. Almost half of चाइना इन अ क्रॉप लाइक राइस विच इज वन ऑफ अ स्टेपल क्रॉप्स इन इंडिया वहाँ पर भी चाइना की प्रोडक्टिविटी डबल है तो हमको भी अपनी प्रोडक्टिविटी डबल करनी पड़ेगी इफ वी वॉन्ट टू डबल फार्मर्स इनकम दैट इज ऑल दैट आई एव मैंशन कैसे करनी है क्या करना है वो सब मैंशन करने की जरूरत नहीं है ओके सेकेंड इंक्रीजिंग इन क्रॉप इंटेंसिटी वॉट इज क्रॉपिंग इंटेंसिटी रेशियो ऑफ नेट सोन एरिया टू द टोटल क्रॉप एरिया टोटल क्रॉप एरिया में से नेट एरिया जोन कितना है क्रॉपिंग इंटेंसिटी जितना ज्यादा बार आप क्रॉप्स लगाओगे उतना क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा एक बार दो बार तीन बार चार बार बा, बा, चार बार लगाया तो टोटल क्रॉप एरिया तो उतना ही रहेगा वन हेक्टेयर आपने नेट सोन एरिया चार बार लगाया फोर हेक्टेयर आपने यूज किया उसको फोर टाइम्स क्रॉपिंग इंटेंसिटी बिकम्स फोर हंड्रेड परसेंट ओके तो इस तरह से आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो बाय रेजिंग शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स बिटवीन खरीफ एंड रबी सीजन वो नहीं करते हैं खाली छोड़ देते हैं लैंड Presently, farmers are unable to in, intensify their land for farm due to limited financial resources, inefficient sale system of existing crops that leads to long spells of indebtedness and lack of skill and educational support. पहले तो सपोर्ट नहीं देती है, सरकार भी नहीं देती है, एनजीओज भी नहीं दे पाते हैं उतना उतना पेनेट्रेशन नहीं है, so they don't know what to do. उनके पास एक्सपर्टिस ही नहीं है. Second, they don't have finances. भाई मैंने अभी एक क्रॉप बनाई, उसको सेल करूँगा कि पैसे आएंगे. उसमें से कुछ खर्चे के लिए निकल जाएंगे जब तो बचेंगे तब उनको यूज कर सकता हूं ओके okay. उतना पैसा बचता ही नहीं है नंबर वन बचता भी है तो बहुत देर में आता है इट टेक्स ऑलमोस्ट मंथ फॉर मी टू सेल एवरीथिंग एंड गेट दैट मनी टिल दैट टाइम द टाइम ऑफ रबी है चाहिए इनएफिशिएंट सेल सिस्टम फाइनेंशियल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है मेरे पास पैसा बहुत लेट आता है आई एम एबल टू सेल इट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू सेल इट यू नो कारपोरेट जो फार्मिंग होती है uh, उसमें क्या होता है यू डिसाइड इन एडवांस कि मैं इतने में खरीद लूंगा दैट हैज़ इट्स एंड है वी कैन मूव टूवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइज इट इन सच अ वे दैट इट डज नॉट बिकम डिस टू द फार्मर्स और उनके लिए वो बेटर काम कर सके सेकेंड इज इंक्रीज क्रॉपिंग इंटेंसिटी सो दैट यू कैन इंक्रीज और डबल द फार्मर्स इनकम Third is diversification. Now you can, don't want the farmers to be, uh, you know, dependent on only one crop or only on two crops. Mixed farming, multiple farming, don't karana पड़ेगा. Matlab उससे forestry कराओ, forestry, uh, he should be involved in dairying, he should be involved in horticulture, okay? He should be involved in uh, high value crops like fruits, vegetables, fiber, cash crops like spices, sugarcane. ये सब चीजें करना चाहिए ओके वेन एवर यू हैव टाइम और वेन एवर यूर एवर यू हैव स्पेस यू शुड बी डूइंग दिस दैट इज हाउ अ फार्मर कैन इंक्रीज इन इनकम पहले अभी क्या होता है दो तीन गाय पाल रखी हैं और वो अपना फार्मिंग कर रहा है बिकॉज ही इज हैप्पी इन दैट ही डजन नो द पोटेंशियल ऑफ हैविंग प्रॉब्लम फिफ्टी काउस और उसमें ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा ही कैन एक्चुअली मेनटेन दैट ओके तो ये हमारे फायदे हैं करने के एंड वी कैन एक्चुअली डू दिस ऑल दीज थिंग्स वेरी वेरी इजिली we just need to penetrate into the rural areas and go and reach out to that farmer. so diversification is third. national market for farmers produces. enam is an example. abhishek you have to create a national market. you already created a national market, but even now it, it is not completely successful. why? because we don't have national cold storage and transport systems. so i sitting in up want to sell something to a person sitting in gujarat. he's giving me a good price. बट मुझे नहीं पता मैं कैसे भेजूँ वहां तक बिकॉज टिल द टाइम इट रीच इज इट माइट एक्चुअली गो वेस्ट वो खराब हो जाएगा सड़ सकता है आई डोंट नो हाउ टू फाइंड अ कंपनी अ गुड कंपनी अ गुड एस्टेब्लिशमेंट थ्रू विच आई कैन सेंड इट इन अ कोल्ड स्टोरेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो इतना एफिशेंट नहीं है थ्रू रेलवे ओके कोल्ड स्टोरेज इज नहीं है इफ दर देर देर नॉट गुड अनाफ दे आर नाट वर्किंग कोल्ड स्टोरेज में आपने डलवा दिया वहां लाइट ही चली गई इट इज नॉट वर्किंग तो दोज काइंड ऑफ चैलेंजेस स्टिल है सो नेशनल कोल्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज रिक्वायर्ड वी कैन हैव नेशनल रेलवे लाइन विच इज वर्किंग ओनली एज कोल्ड स्टोरेज और ट्रेन विच आर वर्किंग ओनली एज कोल्ड स्टोरेज विच आर ट्रांसपोर्टिंग दिस स्टाफ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दैट विल बी सो एफिशियंट दैट विल बी सो यूजफुल ठीक है ना वी नीड टू क्रिएट अ नेशनल मार्केट फार्मर्स प्रोड्यूस सो दैट दे कैन गेट द बेस्ट प्राइस यहाँ पर उनको लोकल एरिया में प्राइस मिल रहा है लेट्स से फिश उसने वाटर फ्रेश फिश कैच करी अपना छोटा सा पॉन्ड क्रिएट किया एंड नाउ हीट ही इज गेटिंग थाउजेंड रुपीज पर के फॉर सैलमन इफ यू सेल्स इट टू लेट्स ए हिमाचल प्रदेश यू माईट गेट टू थाउजेंड ऑल्सो बिकॉज देर इज नो फिश देर ओके या फिर सैलमन वहां पर मिलती है लेट्स ए लाइक बिहार इंटीरियर में मध्य प्रदेश वेदर इज नो फिश You want to sell it there you might get more money okay that is how uh, you know people from the south earn a lot because they are able to export it whatever they're uh, fishing and they are able to sell it to the interiors of the country where actually they get a good price so you need a national market for this okay if you want to increase farmers income export orientation very important we need to increase our focus on exports and reduce our focus on you know producing and uh, growing only for the domestic market. so i've explained this by giving a historical perspective. the droughts of 1960s and import programs like pl-480 brought the challenge of food security for india. in 2020, india is a food secure nation with a crop production of 310 million tons. there is now a need to focus on producing high-quality export-oriented food crops so that the income of farmers can increase at a faster pace. this can be done by providing राइट सीड्स राइट टेक्नोलॉजी राइट नॉलेज अवेयरनेस टू फार्मर्स दे मल्टीप्लाई देर इनकम साइंटिफिकली अब हमें फार्मर को अवेयरनेस क्रिएट करनी कि भाई खाली यहां के लिए मत प्रोड्यूस करो प्रोड्यूस हाई क्वालिटी स्टाफ इफ यूट सेलेट इन देशनल मार्केट यू सेलेट इफ यू एक्सपोर्ट एड यू कैन एक्सपोर्टेड उस क्वालिटी का आपको सामान क्रिएट करना है उस क्वालिटी की मछली आपको पकड़नी है ओके ऐसा आपका सेग्रीगेशन सिस्टम भी होना चाहिए तो ऑल दोज थिंग्स फार्मर्स स्किल इंपार्ट करनी पड़ेगी उनको ओरिएंटेशन बताना पड़ेगा ओके नेक्स्ट इज फूड प्रोसेसिंग इन द दिनिटी ऑफ फार्म्स यहां पे मैंने एक यूनिक आउटलुक लिया है थ्रू बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ मेगा फूड पार्क्स सो व्हाट आई एम सेइंग सेयर इज दैट अब आपको फार्मर्स को एम्पावर करना है दैट इज योर कोर ऑब्जेक्टिव यू डोंट हैव टू जस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर यूर टू डबल फार्मर्स इनकम वो हमारा क्वेश्चन है फूड प्रोसेसिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर बट हाउ विल इट हेल्प इन इम्प्रूविंग फार्मर इनकम लेट्स फार्मर से तो अदानी के कोल्ड स्टोरेज ने खरीद लिया फूड प्रोसेसिंग प्लांट ने खरीद लिया नाउ दैट अदानी इज फूड प्रोसेसिंग प्लांट इज प्रोसेसिंग इट एंड वो कॉन उसने पांच रुपए में लिया नाउ ही इज सेलिंग इट फॉर हंड्रेड रुपीज वैक्यूम पैक करके वेयर डेर इज द मनी गोइंग द मनी स्टिल गोइंग विद अदानी नॉट गोइंग टू द फार्मर हुट दैट मनी और एटलीस्ट अ गुड चंक ऑफ दैट मनी So you bring these food processing units to the areas where the farmers live. So, her district may a mega food park create. kare, something like this can be created. Hub and spoke model has been followed in food processing unit mega food parks where all the local farmers, all the farmer producer organisations, local farmers, they can be connected with this mega food park so that these farming uh, communities can sell directly to the mega food park.

Okay. And then there is one team which is looking after processing and selling it out in the market. So farmer productivity, farmer wastage, and the income will also increase. I hope this is clear. So these are the major ways in which I felt that double farmers' income can be doubled. What are the measures taken by the Indian government? Separately, written, you can also write it along with how to increase or double farmers' income. प्रधानमंत्री तो कृषि सिंचाई योजना सॉयल हेल्थ कार्ड कृषि विकास योजना यहां पे उसका एम लिख दिया गया है ऑलवेज रिमेंबर डू नॉट जस्ट मैंशन द स्कीम मैंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम ऑल्सो एंड दिस ऑब्जेक्टिव शुड बी अलाइन्ड विद योर कोर टॉपिक कोर टॉपिक क्या है डबलिंग फार्मर्स इनकम ऐसा नहीं आपने कोई भी स्कीम मैंशन कर दी और उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और ही है ओके रेजिंग आउटपुट रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ कोर्स इट हेल्प इन डबलिंग फार्मर्स इनकम फसल बीमा योजना इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप इनकम लॉस टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन फार्मिंग ऑपरेशन ग्रीम्स टू एड्रेस प्राइस वॉलिटिलिटी ऑफ पेरिशेबल कमोडिटीज जिससे कि फार्मर की इनकम ज्यादा स्टेबल हो पाए संपदा योजना टू प्रमोट फूड प्रोसेसिंग इन अ होलिस्टिक मैनर दीज आर ऑल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स ई नैम आ गया उसके अंदर यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स पल्स एंड मेज आई एव जस्ट इवन इफ यू डोंट इट्स फाइन ये मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए डाला है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टीकल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पर वैल्यू बहुत ज्यादा है ओके एंड दिस इज मच मोर स्टेबल दैन फूड क्रॉप्स तो इट शुड बी पिकडअप बाई फार्मर्स एलॉन्ग विद फूड क्रॉपिंग ओके शुगर टेक्नोलॉजी मिशन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चैलेंजेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू बहुत ब्रीफली मैंने बता दिए थे वही मेजर चैलेंजेस है क्या क्या है भाई इनपुट्स की क्वालिटी इंप्रूव करनी है ओके इरीगेशन फैसिलिटी देनी है वी हैव टू टॉक अबाउट वी हैव टू पार्टिसिपेशन इज अ मेजर चैलेंज स्टेट्स ऑल स्टेट्स वॉन्ट टू हैव देर ओन मेथड्स ऑफ वर्किंग देर ओन विजन देर ओन मिशंस तो इफ देर इज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इट वी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट इसलिए ये मैंशन यहाँ पे किया हुआ है टेक्नोलॉजी वेदर इट इज मानसून Which means water, whether it is post harvest management, whether it is research, whether it is processing, marketing, in sub key technology creation, hona chahiye. Okay, and last, you can talk about finance as well, which comes in overall welfare of farmers. Okay, I hope this is clear. How do you write the conclusion? It can be giving a way forward, the conclusion. Okay.

वे फॉरवर्ड भी दे सकते थे वो एक और अच्छा मेरे हिसाब से बन सकता था इफ़ यू हैव द टाइम यू कैन राइट दैट एज वेल ठीक है ना तो अल्टरनेटिवस हैं यू कैन पिक अप वॉट एवर यू आर मोर कंफर्टेबल इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जितना प्रैक्टिस करोगे जितना प्रिपेयर्ड होगे एग्जाम के लिए उतना बेटर आपका एसेज जाएगा सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग रेगुलरली हर हफ्ते आपको लिखना ही लिखना है डोंट स्किप एनी डे दैट इज अ रिक्वेस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट वो आप स्किप करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा यू विल एंड अप हर्टिंग योर सेल्फ ठीक है ना आई होप विद दी सेशंस यू आर गेटिंग अ लॉड ऑफ हेल्प इन दी अपकमिंग आर बी आई फॉर दी अपकमिंग आर बी आई इन से एग्जामिनेशन मेक द राइट चॉइस प्रिपेयर स्मार्टली डोंट बी डंप ओके आंख बंद करके तैयारी नहीं करनी आंख खोल के करनी है अच्छे से तैयारी करें प्रॉपर तरीके से तैयारी करें ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट गाइज टेक केयर बाय बाय